हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। भगवान की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। आज मैं वीडियो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट की हूँ। अभी लगभग 5:30 बज रहे हैं और इतना शार्प भी हो गया है। और मॉर्निंग में स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि इतने गर्मी के बाद हल्का सा रिमझिम बारिश हुआ और रिमझिम बारिश होने से कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब तो बिल्कुल दिल खुश हो गया। इसलिए आज हम लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए सोचे कि आज मौसम अच्छा है तो चलो मॉर्निंग वॉक में चलते हैं। और ये देखिए, रास्ते में मेरा कॉलेज मिलता है। ये कॉलेज मेरा, मैं इसी में 5 साल अपना पढ़ाई कंप्लीट कर रही हूँ, ग्रेजुएशन तक। ओ गुड मॉर्निंग, ये देखिए हम लोग एनी कार्ड घूमने जा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करने। और ये देखिए सामने में, आज वैसे इस रास्ते में बहुत भीड़ हमेशा से रहता है, सब लोग घूमने इधर ही आते हैं, मगर आज मौसम बहुत ठंडा ठंडा सा था तो सब कोई घूम रहा था और काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था। एक तो नेचर का साथ मिल जाता है इधर जाने पे। हम लोग एनीकट की तरफ जा रहे थे तो नेचर के साथ साथ, मतलब नेचर का पूरा भरपूर मज़ा मिलता है, साथ में मस्ती भी हो जाता है। ये शाम में यहाँ पे काफ़ी भीड़ होता है, यहाँ पे सब लड़के लोग बैठते हैं और बारिश के मौसम में पूरा ये डूबा हुआ रहता है। और ये देखिए पुल है, मतलब जिधर देखिएगा ना दूर दूर तक सिर्फ ग्रीनरी और पानी। और मौसम आज जो बारिश बारिश का किया था ना, तो सारा पेड़ पौधा इतना खिला खिला सा फील हो रहा था ना, जिस तरीके से हम लोग खिल गए उसी तरीके से पेड़ पौधा भी आज खिला हुआ दिख रहा था। मतलब यहाँ पर इतना अच्छा सीन मिलता है ना देखने को, मतलब आप इधर आके घंटों भी बैठे रहेंगे ना तो बोर नहीं होंगे, इतना खूबसूरत और सुकून सा मिलता है। और नेचर का स्पर्श तो कैसा होता है सबको पता है। ये देखिए ग्रीनरी। और ये रास्ते में एक मंदिर है, गंगा मंदिर करके है, तो ये इसे सूर्य मंदिर के नाम से भी जाता है। ये जो मूर्ति वाटर प्रूफ टेक्निक से बना हुआ है, मतलब जब से बना हुआ है तब से ऐसे ही, दोबारा पेंट नहीं हुआ है, फिर भी ऊपर में पास था ना। हाँ, ऊपर में है, योगा कराने ऊपर में जाती है तो। ये योगा का पोजो देवल है। ये देखिए मेरी रजनी दीदी। हाय बोल दीजिए दीदी। हाँ हाँ, हाय आपको तो आप नहीं रख रहे हैं। ये मेरी पड़ोस की दीदी हैं, इनके साथ हम लोग घूमने गए थे तो इनको लगा ना कि मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, तो वही बाबू को खोज रही हैं कि किधर हैं बाबू। ये देखिए जहाँ पे भी पूल के नीचे जहाँ पे भी जगह बना हुआ है ना, वहाँ पे पार्क जैसा बना दिया गया है ताकि लोग नीचे उतरे और फ्रेश फील करें, तो रिलैक्स करना हो तो रिलैक्स करिए। देखिए कितना खूबसूरत सीन था ना, मतलब बिल्कुल लगता है ना जैसे स्टूडियो का बैकग्राउंड बनाया हुआ रहता है ना उस तरीके से। मैं यहाँ पर फ़ोटो भी क्लिक कर रही हूँ, काफ़ी सुंदर फोटो है। ये देखिए मैं पार्क, ये है यहाँ पे, मतलब सोन से कनेक्ट भी रहता है, सीढ़ी बनाया हुआ है जिसमें अगर आपको सोन में जाने का इच्छा हो पानी में तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये देखिए, मतलब एक तो आज मौसम सही था, मौसम सही भी ना रहे ना तो भी इसके यहाँ पे जाने के बाद, नेचर के कांटेक्ट में आने के बाद इतना फ्रेश फीलिंग होता है ना। मतलब एक तो हमारे घर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है तो जाते जाते तो आदमी थक ही जाता है, और वहाँ पहुँचने के बाद आप आराम से आधा घंटा 1 घंटा बैठिए, और बच्चे हैं तो बच्चे झूला झूल रहे हैं, अपना आपस में बात कर रहे हैं। ये मेरा झारखंडी मंदिर, इसमें आज मैं अंदर से नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि नहा कर नहीं गई थी, मॉर्निंग मॉर्निंग बस मूड अचानक से बना और निकल गई थी तो इसके वजह से हम अंदर नहीं गए। नेक्स्ट डे जाएंगे तो अंदर से भी दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है, मतलब देहरी का स्थापना होने से पहले लगता है कि इसका स्थापना हो गया था, ऐसा पुराना मंदिर। और यहाँ पे शादी वगैरह बहुत होता है इसलिए उसके लिए ये सब रूम वगैरह बना हुआ है ताकि बारिश वारिश का मौसम हो तो लोग रूम में अपना शादी कर सकें। इस झारखंडी मंदिर का हिस्ट्री मैं पापा जी से पूछ कर आपको बताऊँगी क्योंकि इसका काफ़ी पुराना और बहुत अच्छा हिस्ट्री है। तो नेक्स्ट डे जब मैं मंदिर में पूजा करूँगी उस दिन आपको इसका हिस्ट्री भी साथ में बता दूँगी। और ये देखिए दोनों मॉडल कहाँ पे चढ़े हुए हैं, पत्ता खाने के चक्कर में कहाँ कहाँ चढ़ जा रहे हैं, और काफ़ी इजीली चढ़ गए थे। इसी के साथ मैं घर आ गई, और घर आके देखिए मम्मी क्या कर रही हैं। सोच रहे हैं कि लिट्टी और कचौड़ी दोनों मिक्स मजा रहे, जो बने। ये क्या आटा है कि मैदा है? मैदा है, आटा है, सूजी तन थोड़ा सा है, मिक्स करके सान लिए हैं, थोड़ा सा मोम डाल दिए हैं। इसके बाद सोच रहे हैं कि नाश्ता में आज यही बनाए। और ये क्या है माँ? सत्तू।
एक तो सत्तू है। इसमें क्या क्या मिक्स किए? इसमें मिक्स किए सरसों तेल, जवाइन मंगरेला, हरा मिर्चा, धनिया पत्ता, अदरक, नींबू, सारा चीज डाल के सत्तू को मिक्स कर दिए हैं। जो कि हम लोग के यहाँ तो प्याज लहसुन पड़ेगा नहीं, इसलिए बिना प्याज लहसुन के कचौड़ी या लिट्टी जो कहो तैयार होगा। आज यही नाश्ता चलेगा, शनिवार है ना? अच्छा, शनिवार को सत्तू खाया जाता है, इसलिए बना रही हैं। बिहारी फेवरेट चीज है सत्तू के आइटम। सत्तू जितने मेहनत से बनता है उतने हम लोग को अच्छा भी लगता है। समझ गई मैया तुम? एक तो प्रोसेस बता दीजिए भरने का। भरने का है ऐसे, आटा ले लिए लोइया करके, ये देखो अंगूठे से, हाँ खाली दोनों अंगूठा का उपयोग होगा इसमें, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा भरा जाएगा तो लिट्टी हो जाएगा, आ वैसे थोड़ा भरे हैं तो कचौड़ी या लिट्टी दोनों कर सकती है। ये होगा खास्ता। अच्छा, खास्ता होगा। और इसके साथ क्या बनाइएगा? इसके साथ तो हम चना के घुगनी बोलते हैं, छोला या घुगनी कुछ हाँ, भी कहिए। हाँ, जो मतलब जैसे लाल चना को बनेगा तो घुगनी बोलते हैं, छोला भी कर सकती हो। वो इसको तैयार कर लेंगे तो उधर फिर छोला ऐसे गोल गोल कीजिएगा कि बेलिएगा इसको? नहीं, इसी तरीका से थोड़ा चपटा कर दीजिए। करेंगे थोड़ा सा। इधर देखिए पापा जी भी नहा के आ गए हैं, मेरे पूजा की तैयारी में लगे हैं। मैं भी घूम के आ गई हूँ। घूम के आने के बाद नहा ली, नहाने के बाद अभी इधर आ ही रही थी पूजा करके, तो फिर माँ को देखे कि माँ तो अपने अलग तैयारी में लगी हुई हैं। माँ का है ना कि कोई भी चीज़ बड़ा प्यार से बनाती हैं, घबराती नहीं है और हर जगह अपना बैठने का व्यवस्था ढूंढ लेती हैं। यहाँ पे हवा भी हो रहा है क्योंकि आज मौसम थोड़ा बाहर का अच्छा है, तो अभी हल्का धूप निकल गया है, बारिश हुआ था ना इसके वजह से खुला खुला मौसम, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है यहाँ पे, इसलिए आज का यहाँ पे मतलब फ्रेशनेस फील हो रहा है। मत दिलाओ, गुस्सा दिलाओगी तो पिटा जाओगी तुम। देख रही है माँ, पापा जी डांट रहे हैं हमको। देखिए आपके सामने पापा हमको डांट रहे हैं। तो हम क्या किए कि गुस्सा आपको हो रहा है? फोटो मत लो। हम डालेंगे, डिलीट करो। नहीं करेंगे, डिलीट कर दो बेटा, डिलीट कर दो। पापा जी यहाँ पे बोल रहे थे कि मैं जैसे तैसे बैठा हूँ, मेरा वीडियो मत लो मत लो, और हम जिद कर रहे थे कि लेंगे। इधर हम फ्राई करने का तैयारी करने लगे। दूध है, चना आलू बैठा है कुकर में। अच्छा, चना आलू साथ में बैठा है। छोला बनाने के लिए देसी छोला, और घर में ना माँ के हाथ का मतलब ये हम लोग घुगनी कहते हैं, छोला नहीं कहते, मतलब सबको ही दीवाना है। किसी को अभी छोला मतलब दोनों में से कोई दीदी का भी नहीं, मेरा भी नहीं, किसी का ऐसा छोला नहीं बनता है। मतलब कभी भी सबको इकट्ठा होता है ना तो कोई चीज़ का डिमांड होता है, तो स्पेशली छोला का होता है ना माँ। ये देखिए माँ का स्माइल, क्योंकि माँ भी जानती है ना इस माँ का छोला और खीर, मतलब कोई आगे मीठा खाने का मन हो तो खीर, और ये क्या कहते हैं नमकीन खाने का मन में छोला, छोला तो कंपलसरी है, वो भी काला चना का। बहुत तेज गरम चाहिए कि थोड़ा गरम चाहिए? नहीं, तेज आंच पर नहीं छाना जाएगा, अभी तेलवा पूरा गरम हो जाएगा तभी डालेंगे। अच्छा, ये माँ फ्राई करते हुए, देखिए इसे फ्राई करते समय फ्लेम ना ज़्यादा तेज़ होना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। और मीडियम फ्लेम करने के बाद इसे अलट पलट के गोल्डन ब्राउन तक, क्योंकि इसमें मैदा मिक्स है तो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, ब्राउन तक फ्राई करेंगे। हो गया? हाँ हो गया, ताल के रख दे रहे हैं, खासा रहता है तो खराब होगा नहीं। इसके बाद चना बस ऐसा ही कलर रहेगा ना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है ना। नहीं, मैदा है ना इसलिए, आटा मैदा सूजी तीनों है, आटा वाला रहता तो और अच्छी करते, डार्क करते, फट जा रहा है ना। हाँ तो अच्छी हो गया, खास्तापन के चलते ना।
उसके बाद चावल हो जाएगा, उधर चना तैयार हो गया है, तो इसके बाद बना देंगे घुघनी या जो कहो छोला घुघनी। लाल चना का है घुघनी बनने का पेशेंस किसी के पास नहीं है, इसलिए ये आम का जेली है, होममेड है, मतलब हम ही लोग बनाए हैं, हम ही लोग बोले तो मैं ही बनाई हूँ, तो इसलिए तब तक पापा जी को ये दे देते हैं क्योंकि पेशेंस ही नहीं, पेशेंस नहीं था मेरे पास भी क्योंकि भूख लग गया था और तुरंत जस्ट खाई और खाने के बाद मैं सो गई, क्योंकि मैं पहले भी बताई थी ना कि मंदिर 1.5 किलोमीटर की लगभग दूरी है अपने घर से, तो 1.5 किलोमीटर जाना और 1.5 किलोमीटर रिटर्न आना 3 किलोमीटर, और मैं बिल्कुल इधर घर में बैठी हूँ, तो अचानक से जब मैं 3 किलोमीटर चली ना तो उसके बाद पैर का जो हालत हुआ कह नहीं सकती हूँ, जो ऐसे अचानक से फिर ज़्यादा लंबा चलते हैं उनको एहसास होगा कि कितना दर्द करता है, तो मैं पूरे दिन सोई रही, नेक्स्ट डे भी सोई ही रही। और देखिए अभी के अभी मौसम कितना खूबसूरत किया हुआ है, बादल बादल, मतलब मौसम अब अच्छा कर रहा है, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, घुघनी का वीडियो मैं अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूँगी जब भी वहाँ बनाएंगी तब का, तो इसके लिए सॉरी क्योंकि मैं सो गई ना तो फिर कुछ वीडियो शूट ही नहीं की। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।